नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस ए क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में PWSC CGL 3 मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर विभाग रिजल्ट कब जारी कर रहा है। दोस्तों 100% प्रूफ के साथ बताएंगे रिजल्ट किस डेट को जारी किया जा रहा है। और आप लोग द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए जब तक कोर्ट में केस क्लियर नहीं होगा विभाग की तरफ से रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों रिजल्ट के रिगार्डिंग विभाग ने अभी एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है, जो कि इस वीडियो में डाउनलोड करके बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताएंगे। विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, नोटिस भी दिखाने वाले हैं कोर्ट केस में, जो कोर्ट में केस चल रहा है, क्या कोर्ट में केस क्लियर होगा उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। सारी जानकारी वन वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो PWSC CGL 3 मेंस का रिजल्ट कब जारी कर रहा है विभाग, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों एक देखिए लेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। जो कि यह लेटर देख लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो लेटर 3/6 को जारी किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के नेत्राधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायक संविदा पर नियोजित सहायक बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 02/2022 पद देखिए वरीय वैज्ञानिक सहायक से संबंधित कार्य हेतु दिनांक 30/6/2023 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त है। दोस्तों देख लीजिए, जो कि यह पद वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए एक वैकेंसी निकल के आई थी, जिसका रिजल्ट तैयार करने के लिए 8 को पदाधिकारी को देख लीजिए बिहार कर्मचारी के ऑफिस में पद नियुक्ति किया गया था, जो कि अभी तक वह रिजल्ट जारी भी नहीं हुआ है, रिजल्ट तैयार भी नहीं हुआ है। और अभी बात करते हैं, यह तो हो गया, नीचे सारा चीज़ लिखा हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के प्रवक्ता 24/36/2023 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में प्रतिनियुक्ति दिनांक 10/7/2023 तक विस्तारित की जाती है। तो 10/7 तक जो है जुलाई तक विस्तारित किया गया था, 10 जुलाई तक, उसके बाद अपडेट नहीं किया। तो देख लीजिए वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए जो वैकेंसी निकल के आई थी 250 के आसपास स्टूडेंट का रिजल्ट उसमें देना था, जो कि विभाग की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। और यहाँ पर बिहार सचिवालय मेंस में 11,000 बच्चा का रिजल्ट जारी करना है, और अभी तक बताइए यह जो है 250 स्टूडेंट के रिजल्ट इससे तैयारी नहीं हो पाया है इस विभाग से, तो अभी 11,000 बच्चा का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। उसके लिए जब तक अदर विभाग से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक आपका रिजल्ट तैयार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए चांस है आपका सितंबर में यह रिजल्ट आने की चांस है। बिहार सचिवालय है सहायक के लिए मेंस का जो एग्जाम हुआ है, टोटल 11,000 बच्चा एग्जाम में बैठा है, इसका रिजल्ट आपको सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसका रिजल्ट नहीं हुआ है, और अभी तक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुआ है बिहार कर्मचारी चयन ऑफिस में, जो रिजल्ट तैयार करेगा। इसीलिए आपको अभी टाइम है, सितंबर के प्रथम सप्ताह में सितंबर में यह रिजल्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं कोर्ट में जो केस चल रहा है, क्या उससे रिजल्ट पर कोई प्रभावित पड़ेगा। दोस्तों कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जो है केस चल रहा है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको ही पता है डेट पर डेट मिलता जा रहा है। इसीलिए विभाग को उसमें क्या कोई असर नहीं होगा, क्या अपडेट आएगा, कोर्ट क्या निर्णय देती है, उसके बाद ही विभाग पर कोई असर पड़ने वाला है। उससे पहले आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभाग अगर स्टूडेंट के हक में फैसला सुनाती है उसके बाद ही विभाग पर कोई असर पड़ेगा। नहीं, अगर कोर्ट स्टूडेंट के हक में फैसला नहीं सुनाती है, विभाग के हक में फैसला सुनाती है, तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट समय से ही आ जाएगा, सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक दो दिन में, अभी जो चल रहा है, एक दो दिन में BRSSC की ऑफिस में प्रतिनियुक्ति कर दिया जाएगा स्टाफ को आधार विभाग से लेके, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा, कॉपी चेक करना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट तैयार करना स्टार्ट हो जाएगा, और सितंबर में आपका रिजल्ट आने के चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बता दिए हैं, देख लीजिए 8 को पदाधिकारी को अलग अलग विभाग से इसमें पदस्थापित किया गया था, जो कि 250 का रिजल्ट अभी तक नहीं बना पाया, और यहाँ 11,000 रिजल्ट है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए दोस्तों आपका रिजल्ट सितंबर में आएगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है, रिजल्ट समय से ही दिया जाएगा, और आपको कोर्ट केस जो चल रहा है उस पर कोई प्रभावित नहीं होगा, रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी बता दिए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से बिहार सचिवालय मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।